नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का पार्ट टू। रिवीजन हमारी सीरीज चल रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सितंबर हमने कवर कर लिया है, अगस्त हमने कवर कर लिया और आज जुलाई हमारा पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर शनिवार और रविवार को हम पढ़ेंगे जून। इस तरह हमारा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये चार महीने के करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जुलाई का पार्ट टू। पहला सवाल है आज का, तो 59 एप्स हैव बीन बैंड बाय द मिनिस्ट्री यूजिंग इट्स पावर अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 मोबाइल ऐप्स को आईटी एक्ट 2000 के किस सेक्शन के तहत बैन करा था? तो आपका आंसर बनता है सेक्शन 69A। कौन सा सेक्शन? 69A, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट रोगियों के उपचार के लिए किस राज्य ने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च करा है? तो आपका आंसर बनता है नई दिल्ली। न्यू दिल्ली यूनियन टेरेटरी ने क्या करा है? प्लाज्मा बैंक लॉन्च करा है। बस आपको याद रखना है इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, तो आंसर याद रखना है आपको नई दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल है आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लॉन्च या MSMEs लॉन्च अ न्यू पोर्टल फॉर MSME रजिस्ट्रेशन, नेम द पोर्टल। ठीक है, MSMEs ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? उद्यम। ठीक है, यदि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो उद्यम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगला सवाल है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल स्कीम एंड विल हैव अ टेन्योर ऑफ 7 years एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड्स विल बी रीसेट एवरी 6 months, व्हाट इज़ द करंट इंटरेस्ट रेट? अब क्या है, सरकार ने क्या लॉन्च करी है? फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल स्कीम। ठीक है, जिसका कार्यकाल कितना रहेगा? 7 साल का रहेगा। दो क्वेश्चन तो यही हो गए हैं, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है कितने, हर 6 महीने में क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया, और वर्तमान में कितना है? 7.15 है। ठीक है, क्वेश्चन यही आता है, अभी हाल ही में सरकार ने कौन सी नई टैक्सेबल स्कीम शुरू करी है? तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम करी है। ठीक है, इसका टेन्योर कितना रहेगा? 7 साल का रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितने समय में चेंज होगा? तो 6 महीने में चेंज होगा, और वर्तमान कितना? 7.15 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंट्री विच हैज़ साइंड पैक्ट विथ भूटान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 600 मेगावाट खोलनगोंचू जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। भूटान उस देश का नाम बताइए जिसने भूटान में 600 मेगावाट की खोलनगोंचू संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए भूटान के साथ समझौता ज्ञापन व हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर बनता है भारत। ठीक है, भारत ने। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि खोलनगोंचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या प्रोजेक्ट पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भूटान में है। अगला सवाल है आपका, नेम द पॉप स्टार हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर द लॉन्ग स्टैंडिंग फिलेंथ्रॉपिक वर्क। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? तो बियॉन्स को मिला है। किसे? बियॉन्स को। अगला सवाल है आपका, हु हैव बीन इन्वाइटेड टू जॉइन द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस एंड दे विल हैव वोटिंग राइट्स फॉर दिस ईयर ऑस्कर्स अवार्ड इफ दे एक्सेप्ट द इन्विटेशन। किसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, और इस आमंत्रण को स्वीकार करने पर उन्हें इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कार के मतदान के अधिकार भी प्राप्त होंगे? तो आपको याद रखना है ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट। कौन? ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट, अभिनेता है दोनों। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10-year डिफेंस प्लान, हु इज़ द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर? ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने 270 बिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर 10-year रक्षा योजना का शुभारंभ किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। ठीक है,
दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने यानी कि जो डिफेंस प्लान है कितने अमाउंट का लॉन्च करा है, तो 270 बिलियन का है यूएस डॉलर, माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। और समय कितना रहेगा, ये 10 साल का रहेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम टू मेंटेन एकेडमिक रेगुलेटरी ऑफ द स्टूडेंट। तो आपका आंसर बनता है मध्य प्रदेश, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश की है। विच बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू हेल्प द लो इनकम ग्रुप्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु टू गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग। तो आपका आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु में राज्य में कम आयु, माफ कीजिएगा, कम आय वाले समूह की मदद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि किफ़ायती आवास तक पहुंच प्राप्त हो गए, यानी सस्ते घर मिल सकें जो गरीब परिवार के लोग हैं, कम आय वाले लोग हैं, उसके लिए तमिलनाडु सरकार, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने एक MOU करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना फॉर COVID-19 पेशेंट। तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट प्लेटिना कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपका आंसर बनता है लाजर चकवेरा, कौन, लाजर चकवेरा। अगला सवाल है, द अमेंडमेंट इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ब्रॉट थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 एंड रूल्स मेड देयर अंडर विल बी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। अब क्या है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में जो संशोधन किया गया है, बदलाव किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं, फाइनेंस एक्ट के माध्यम से किए गए हैं, ठीक है। और ये कब से प्रभावी हो चुका है, 1 जुलाई 2020 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विग्गी मनी हैज़ बिन लॉन्च्ड स्विग्गी नेटिव डिजिटल वॉलेट टू पार्टनर विथ विच टू इनेबल द न्यू एक्सपीरियंस थ्रू विच कंज्यूमर अवाइल वन क्लिक चेक आउट्स, ठीक है। अब कुछ नहीं याद रखना है, अब क्या है, स्विग्गी मनी को स्विग्गी के मूल डिजिटल वॉलेट के रूप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्विग्गी मनी किसने लॉन्च, ठीक है, स्विग्गी मनी को क्या करा गया है, स्विग्गी के मूल डिजिटल वॉलेट के रूप में लॉन्च किया गया है, यानी स्विग्गी का वॉलेट के डिजिटल वॉलेट का नाम क्या है, स्विग्गी मनी है। किसके माध्यम से करा गया है, ICICI बैंक के माध्यम से करा गया है। सिर्फ एक क्लिक के द्वारा आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, वन क्लिक चेकआउट का लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल है आपका, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका याद रखना है गुडनी जॉनसन, गुडनी जॉनसन है आइसलैंड के राष्ट्रपति। अगला सवाल है, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द PC प्रोफेसर PC महालानोबिस अवार्ड इन द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो आंसर आपको याद रखना है चक्रवर्ती रंगराजन, सी रंगराजन या चक्रवर्ती रंगराजन को PC महालानोबिस पुरस्कार दिया गया है। अगला आपका सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द, ठीक है, वॉन द प्रोफेसर PV सुखमित नेशनल अवार्ड इन 2000, ठीक है। प्रोफेसर सुखमित अवार्ड किसने जीता है, आंसर याद रखना है अखिलेश चंद कुलश्रेष्ठ ने, किसने, अखिलेश चंद कुलश्रेष्ठ ने। अगला सवाल है, नेम द इंडियन हु बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू द इंटर ICC इलाइट पैनल। तो आपको याद रखना है, आंसर है नितिन मेमन। नेम द नोटेड कन्नड़ नॉवेलिस्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज द फर्स्ट वुमन राइटर टू बैग केंद्र साहित्य अकेडमी एंड नदोजा अवार्ड। तो आपको याद रखना है गीता नागभूषण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह केंद्र साहित्य अकेडमी और नदोजा पुरस्कार प्रदान करने वाली पहली महिला लेखिका थी। तो अगर फर्स्ट अगर आ गया है किसी में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ग्लोबली एवरी ईयर टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हैज़ार्ड। तो आंसर बनता है आपका 30 जून, क्या बनता है, 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ LPG बिजनेस। तो आपका आंसर याद
रखना बनता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अनाउंस $-million MSME एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम टू सपोर्ट इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस टू MSME सेवरली इम्पैक्ट बाय द COVID-19 क्राइसिस। आंसर आपका बनता है $750 million। ठीक है, जो इम्पैक्ट हुआ है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज बिजनेस को कोरोना वायरस के कारण, उसके लिए 750 million का एक मदद दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखना, ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च करा है, तो वो है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन सेटिंग अप एन ई कॉमर्स पोर्टल फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय MSME इन कंट्री, नेम द पोर्टल। तो आपका आंसर बनता है, उसका नाम भारत क्राफ्ट। क्या है? भारत क्राफ्ट। भारत क्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है MSME के लिए, तो आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ग्लोबली। तो आपका आंसर याद रखना है 30 जून। 30 जून को एस्ट्रॉइड डे भी मनाया जाता है और पार्लियामेंटरिज्म डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टुक द चार्ज एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो आपको याद रखना है रविंद्र भकर हैं। ठीक है, CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO कौन बने हैं, तो रविंद्र भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंड द टर्म ऑफ डैश एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाय 2 years। तो आपका याद रखना है आंसर राजकिरण राय जी को क्या बनाया है, UBI का 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है या फिर MD CEO बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिक डे 2020 इज, आंसर याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 and 5। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे की थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 and 5। अगला सवाल आपका है, इंडिया स्टैंड एट विच पोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पे, तो याद रखना है 5वें नंबर पे। कौन से? 5वें नंबर पे। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम बलराम स्कीम। बस इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखो, बलराम स्कीम कहाँ की है, तो याद रखना ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की है। अगला सवाल है, हु टुक चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको याद रखना है आंसर श्रीकांत माधव वैद्य कौन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। अगला सवाल है, नेम द पर्सन हुज टर्म एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट फॉर पीरियड ऑफ 1 year। तो आपका आंसर याद रखना है के के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेम द लेजेंडरी कॉमेडियन राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ रेसिपियंट ऑफ 9 Emmy Awards, 5 ऑफ विच वर फॉर द डिक वैन डैक शो। तो आंसर बनता है कार्ल रेनर। कौन थे? कार्ल रेनर का निधन हो गया, अभिनेता थे, अभी हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 9 Emmy पुरस्कार जीते थे, जिसमें से 5 किसके लिए थे? द डिक वैन डाइक शो के लिए थे। अगला सवाल है, नेम द इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म हु वॉन द 2 awards एट द प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट COP-X 2020। तो आंसर बनता है माई गॉव कोरोना को मिला है क्या, ग्लोबल लीडरशिप समिट में अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपका, इंटेल कैपिटल ब्रॉट हाउ मच स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 1894 करोड़ रुपये। 1894 करोड़ में इंटेल कैपिटल ने जियो में 0.39% की हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं जियो वाले। ठीक है, बुक का नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोष कुछ बिखरी ध्वनियाँ, इसे किसने लिखा है? तो आंसर याद रखना प्रियम वेद ने। अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विथ कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस CAMS। ठीक है, इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, तो आपको याद रखना है ICICI बैंक।
नेम द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आफ्टर इंडिया शशांक मनोहर स्टेप डाउन. ठीक है, शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद ICC का नया अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया है. तो आंसर याद रखना है इमरान ख्वाजा. किसे? इमरान ख्वाजा को. चोलमंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द डैश इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर. आंसर बनता है वी सूर्य नारायण. क्या? वी सूर्य नारायण. नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू ब्रिज द गैप बिटवीन नाडा एंड द एथलीट्स बाय ऑफरिंग इजिली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट. तो आंसर याद रखना है नाडा ऐप. नाडा भारत में होता है नाडा और वर्ल्ड के लिए होता है वाडा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मच अमाउंट वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम स्टार्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट. बस आपको ये याद रखना है स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम. ठीक है, स्टार्स के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया है तो याद रखना 500 मिलियन. और ये कितने स्टेट्स के लिए है? 6 इंडियन स्टेट्स के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द इंडियन अमेरिकन ऑथर एंड ऑक्नोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन नेम्ड 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनर्स. ठीक है, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ मुखर्जी है. 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनर्स से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो है सिद्धार्थ मुखर्जी. अगला सवाल आपका है हु हैज़ बीन रिटायर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द MD/CEO ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक. तो आपको याद रखना है कर्णम शेखर. और कर्णम शेखर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स बुक के लेखक कौन हैं. तो आपको याद रखना है वी पट्टाभिराम. कौन? वी पट्टाभिराम. अगला सवाल है आपका, इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब चेंज हो चुका है अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज सिलेक्टेड फॉर डायना अवार्ड 2020 एन ऑनर गिवन इन द मेमोरी ऑफ प्रिंसेस डायना टू यंगस्टर्स फॉर ह्यूमनिटेरियन एफर्ट्स. तो आंसर याद रखना है फ्रिया ठकराल. फ्रिया ठकराल को चुना गया है डायना अवार्ड 2020 के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन फर्स्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन विच हैज़ बिन लॉन्च एज अ स्टेप टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो भारत का पहला सुपर सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? एलिमेंट्स. क्या है? एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी विच हैज़ फॉर्म अ जॉइंट वेंचर कंपनी विथ कोल इंडिया टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर असेट. तो याद रखना है आपको NLC इंडिया लिमिटेड. ठीक है, NLC इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड मिलकर दोनों मिलकर सोलर और थर्मल पावर असेट जनरेट करने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना रहे हैं. अगला सवाल है नेम द बैंक विच हैज़ अनाउंस इट्स प्लान टू ऑफर इंस्टेंट ऑटो लोन्स कॉल्ड जिप ड्राइव टू इट्स कस्टमर. तो आंसर बनता है आज का आपका HDFC बैंक. कीवर्ड क्या याद रखेंगे? जिप ड्राइव. बस HDFC बैंक. मैंने जो प्रीवियस हमारी स्कीम्स के जो वीडियोस थे उसमें सारी योजनाएं करा रखी, आप उस प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, उससे भी आपको मदद मिलेगी क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियोस से ही बनाए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस. फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आंसर याद रखना है जीन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं. अगला सवाल है नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल COVID-19 एंड टूरिज्म. तो आंसर याद रखना यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. अनकार्ड ने क्या करा है? रिपोर्ट जारी करी. कौन सी? COVID-19 एंड टूरिज्म. अगला सवाल आपका बनता है विच कंट्री डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ न्यू स्पेस सैटेलाइट. तो आपको याद रखना है इसराइल. याद क्या रखना है? इसराइल. देखिए अगर क्वेश्चन में स्पेलिंग ऐसी आती है
अगर डिफेंस में एसी लगा रहता तो आपका आंसर होगा हमेशा अमेरिका, ठीक है। और सीई आती है तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर याद रखना, लेकिन अगर एसी लिखा आता है तो अमेरिका होगा, क्योंकि जब डिफेंस में एसी का इस्तेमाल आखिरी में किया जाता है तो वो अमेरिकन लैंग्वेज में होता है, अमेरिकी भाषा में होता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह याद रखना, बाकी एसी अगर आता है तो अमेरिका समझ जाना है, नहीं तो आपको प्रॉपर आंसर सीई वाले में तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसमें डिफेंस में आखिरी में सीई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी एसोसिएटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा टू ऑफर अ ग्रुप इंश्योरेंस कवर? तो आपका आंसर बनता है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस कवर देने के लिए क्या एक बल्क में ग्रुप इंश्योरेंस, बहुत सारे ग्रुप में 4-5-6 ऐसे ग्रुप में इंश्योरेंस देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीओबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कौन सी बीमा कंपनी के साथ करार कराया? तो आपका आंसर है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला सवाल आपका बनता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन? तो आंसर याद रखना है, विच फोकस ऑन द नॉन परफॉर्मिंग असेट इशू, डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन? डॉक्टर उर्जित पटेल। नेम द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअली अवार्ड, ठीक है। तो आंसर याद रखना है आपको लोरा वॉलवर्ड, लोरा वॉलवर्ड को वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका का चुना गया है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है लोरा वॉलवर्ड का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है कि क्रिकेट से है, और किस देश से? साउथ अफ्रीका से। कौन से? साउथ अफ्रीका से। नेम द पर्सन हुज टेन्योर एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द चेयरमैन कैबिनेट फॉर द पीरियड ऑफ द 6 months? आंसर याद रखना आपको सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू को NHAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है, ऑन विच डेट डे द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव 2020 वॉज सेलिब्रेटेड विद अ फोकस ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉरपोरेटिव्स टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज? तो आंसर याद रखना है 4 जुलाई, 4 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेजेंडरी वेस्ट इंडीज बैट्समैन हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज द ओनली क्रिकेटर टू मेक सेंचुरी इन द फर्स्ट, माफ कीजिएगा, 5 consecutive टेस्ट, लगातार 5 टेस्ट मैचों में, टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज का नाम क्या है वेस्ट इंडीज के, जिनका निधन हो गया है? तो आपको याद रखना है सर एवर्टन वीक। कौन? सर एवर्टन वीक्स। अब इनके नाम के आगे सर क्यों लगाए हैं? क्योंकि सर एक उपाधि है जो दी जाती है, जहाँ तक मुझे पता है कि ब्रिटेन की उपाधि जो दी है, दी जाती सर की उपाधि, तो उसमें क्या है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो थी 1975 के समय, 75 से 92 के समय में बहुत मजबूत टीम हुआ करती थी, और दुनिया की क्रिकेट पर इनका राज हुआ करता था, बहुत ख़तरनाक टीम हुआ करती थी, हर एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते थे इनके, इसी कारण इनके हर एक बहुत सारे मैक्सिमम खिलाड़ियों को सर का दर्जा दिया गया है। हमारी तरफ से भारत में भी सचिन तेंदुलकर जी को भी सर का दर्जा ही दिया गया है, ठीक है, सर सचिन तेंदुलकर को का दर्जा उन्हें दिया गया है, सर एक उपाधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ डैश फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, ठीक है। तो आंसर याद रखना है आपको 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ ने भारत सरकार ने, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट CM अनाउंस दैट द पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन धेमजी डिस्ट्रिक्ट वुड बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अब क्या है कि किस राज्य के CM ने घोषणा की कि धेमाजी जिले में जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे एक वन्य जीव अभ्यारण में अपग्रेड किया जाएगा? तो आसाम में, ठीक है। अब क्या है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है, पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर, ये याद रखना आसाम में है, और दिहंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर है जो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, ये भी आसाम में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड द ग्रांट असिस्टेंट 221.89 crore रुपीज टू सपोर्ट 298 वाटर शेड प्रोजेक्ट इन ओवर 3 lakh hectare
बेनिफिटिंग 66,500 फैमिलीज। किस राज्य में नाबार्ड 66,500 परिवार को लाभान्वित करने के लिए 3 हेक्टेयर से अधिक 298 वाटरशेड परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का अनुदान सहायता करेगा? कितने 221.89 करोड़ रुपए देगा? तो आंसर याद रखना है कर्नाटका, नाबार्ड कर्नाटका को देगा 221.89 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज सेट टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमन है ना एमिएशन बाय विच ईयर? तो आंसर याद रखना 2030। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिएशन याद रखना है 2030। इंडिया एंड विच कंट्री हैव ओपन्ड अ न्यू ट्रेड रूट बिटवीन जयगांव इन वेस्ट बंगाल एंड पसाखा इन दैट कंट्री? तो आंसर याद रखना है भूटान, ठीक है। भारत ने भूटान के जो पसाखा गांव है, पसाखा है जिला या गांव है, उससे वो बंगाल के जय गांव के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है, ठीक है। आपको याद रखना है कि पसाखा गांव कहां पर है या जिला कहां पर है, तो वो याद रखना है भूटान में है। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अवार्डेड रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड विद द है ना कवेटेड इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020? तो ये आपको याद रखना है वेद प्रकाश दुदेजा, क्या वेद प्रकाश दुदेजा। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज अ टॉप पब्लिश्ड अंडर द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020? आंसर इज सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, सचिन अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इंटर इनटू एमओयू विथ विच डिफेंस पीएसयू टू कोलैबोरेट द टैपिंग इमर्जिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन द एयरपोर्ट बिजनेस इंक्लूडिंग दोज इन द एशिया पैसिफिक रीजन? तो आंसर याद रखना आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कहाँ पे? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेट, इसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, Who has been appointed as the new vice president of Asian Development Bank? Next याद रखना है अशोक लवासा, अशोक लवासा कौन है? ADB के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल, Name the sports person who has been appointed as the brand ambassador of Sports Adda. Sports Adda के brand ambassador कौन बने हैं? Brett Lee. Next question है, Name the Dubai-based Indian who has made Guinness World Record title with 101 one leg hop over a ruler in 30 seconds. आंसर इज सोहम मुखर्जी, क्या है? सोहम मुखर्जी। दुबई आधारित भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने 30 सेकेंड में एक रूलर पर 101 वन लेग हॉप्स के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको याद रखना है सोहम मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज बींग सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एज अ वर्ल्ड यूथ स्किल डे ग्लोबली एवरी ईयर? आंसर याद रखना है 15 जुलाई, ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे का मनाया जाता है 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट अवार्ड हैज़ अनाउंस्ड 5,000 करोड़ और फ्री फाइनेंस स्कीम फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफर फाइनेंस टू द बेनिफिशरी ऑफ इट्स वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। नाबार्ड ने अपने वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लाभार्थियों को फाइनेंस प्रदान करने के लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ एम टू रेज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टू 2.5% ऑफ द कंट्रीज GDP बाय 2025। मोदी सरकार ने 2025 तक देश की GDP का 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और 6% काय के ऊपर है? एजुकेशन सेक्टर पे। कितना? 6% एजुकेशन सेक्टर पे रखा है, ये याद रखना है। अगला सवाल आपका बनता है, नाबार्ड हैज़ लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ डैश लाख इन अंडमान निकोबार आइलैंड विथ एम्स टू स्ट्रेंथ द कॉन्सेप्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको याद रखना है 44 लाख, कितना? 44 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्यूनिशिया प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो आंसर याद रखना है एलिस फकफक, क्या? एलिस फकफक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the theme of the World Youth Skill Day 2020? Answer is Skill for a Resilient Youth. Skill for Resilient Youth. Next question. The Competition Commission of India has approved the acquisition of Dash in Healthcare Global Entrepreneurship Limited. Answer is ASO Company Private Limited. ASO Company Private Limited. ठीक है. Next question is, as per the latest UN report, which country has recorded the largest reduction in the multidimensional poverty? Answer is India. Answer is India. UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है. Next question. Dash and the Lockheed Martin CEO Jim Tablet will be honored with USIBC Global Leadership Award. Answer is N. Chandrasekharan. N. Chandrasekharan और Lockheed Martin के CEO Jim Tablet को USIB Global Leadership Award से सम्मानित किया जाएगा. किसे? Jim Tablet को. अगला सवाल आपका बनता है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू फर्दर एक्सपांड कोलाबोरेशन डीलिंग विद साइबर थ्रेट एंड एमिड रैपिड डिजिटाइजेशन ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक दैट एक्सपोज द वर्नेबिलिटीज ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड. भारत और किस देश ने कोरोना महामारी के कारण तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें वर्चुअल वर्ल्ड की कमजोरियों को उजागर किया जाएगा? तो आंसर है इसराइल. साइबर सिक्योरिटी के लिए भारत ने इसराइल के साथ किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स विच इंडियन हैज बिकम द वर्ल्ड सिक्स्थ रिच पर्सन? तो आंसर है मुकेश अंबानी. कौन सा? मुकेश अंबानी. नेम द इंडियन पोर्ट विच इज प्रपोज टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लीडिंग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट टू इंश्योर दैट इंडियन कार्गोज एंड ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडियन पोर्ट. उस भारतीय पोर्ट का नाम बताइए जिसे भारतीय कार्गो के भारतीय पोर्ट के माध्यम से ट्रांसशिप होना सुनिश्चित करने के लिए भारत के पहले और एशिया के अग्रणी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया. तो आंसर बनता है कोचिन पोर्ट या कोचिन बंदरगाह. नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनामा? आंसर इज अश्विन अथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च द ऑपरेशन मुस्कान टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रन? आंसर इज आंध्र प्रदेश. मिशन मुस्कान किसका? आंध्र प्रदेश का है. अगला सवाल, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? आंसर इज 18 जुलाई. ठीक है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे का मनाया जाता है 18 जुलाई को. अगला सवाल है आपका, द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हैज अनाउंस दैट 4 जर्नलिस्ट विल बी ऑनर्ड विद द 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर देयर करेजियस एक्ट. हु अमंग देम आर नॉट? आंसर इज चंद्रजीत बनर्जी. है ना, शाहिदुल्ला आलम को मिला है, मोहम्मद मौजेद को मिला है, श्वेतलाना प्रोकोपयेवा को मिला है, डापो ओल्यूनियोमी को भी मिला है. ठीक है, क्या मिला है? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द CII ई कॉमर्स कमेटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. ठीक है, CII ई कॉमर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कुणाल बहल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 कीज रिसोर्स पेंशनर्स थ्रू निष्ठा पोर्टल? आंसर इज आंध्र प्रदेश. क्या? आंध्र प्रदेश. ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम किसने शुरू करा है? आंध्र प्रदेश ने. अगला सवाल है आपका, विच डेट इज बिंग ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस एवरी ईयर?
recognize the strengthening system of international justice and also try to promote rights of the victim. Answer is 17 July. International Day of Victim, 17 July. Ballistic Day was celebrated in which country recently? Answer is France. Ballistic Day kab manaya France mein. Next question. NABARD has sanctioned dash crore for reconstruction infrastructure damaged by the cyclone Amphan that is ripped through West Bengal. Answer is 795 crore. NABARD ne jo cyclone Amphan aaya tha, Amphan, उस यानी कि जो ओ जो नुकसान हुआ था उसके पुनः निर्माण के लिए कितना 795 करोड़ रुपए दिया है बंगाल को. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिवर्ड गुरु स्वामी नारायण गांधी हु पास्ड अवे रिसेंटली. आंसर इज आचार्य स्वामी श्री महाराज. स्वामी नारायण गांधी के पूजनीय गुरु का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है. तो आचार्य स्वामी श्री महाराज, इसे छोड़ना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक टाइटल द टेन गेम्स एंड इथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एनजेंडर्स ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिलीज्ड. अरुणाचल प्रदेश ऑफ रिलीज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the PSU which has signed MOU with National Investment and Infrastructure Fund to explore business opportunity in renewable energy in India. The answer is NTPC. NTPC, जिसने भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए National Investment and Infrastructure Fund के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Next question is, who has become the first woman Prime Minister of Gabon? Answer is Rose Christian ओसुका रापोंडा. रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द समर यूथ ओलंपिक गेम्स विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन डकार 2022 हैज बीन पोस्टपोन्ड एंड विल नाउ हेल्ड इन 2026. ठीक है, 2022 में होने वाले यूथ ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन्ड करके 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है. अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द reappointment of the Shyam Srinivasan as the MD CEO of Federal Bank. Next question hai, name the company which has planned to acquire 100% stake in Orchestra Tech for about 187 crore. Answer is L&T. L&T jisne 187 crore mein Orchestra Tech mein 100% ki hissedari prapt karne ki yojana banayi. Indian Institute of Technology Madras startup module hai na modulus housing has developed a portable hospital unit called Medicap. IIT Madras aur startup modulus housing ne Medicap naam ka hai na portable hospital unit viksit ki hai. Next question is, which UT state administration has approved insurance cover of 25 lakh to all panchayat members in union territory? Answer is Jammu Kashmir. Jammu Kashmir ne sabhi panchayati sadasyon ko 25 लाख तक के बीमा कवर की मंजूरी दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये नेक्स्ट इसे कैंसिल करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द SCL टेक्नोलॉजी. आंसर इज रोशनी नदार मल्होत्रा. ठीक है, SCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रोशनी नदार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द हिंदू ग्रुप. हिंदू ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो मालिनी पार सारथी. नेम द पर्सन हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड. आंसर इज टी पुरुषोत्तम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स. आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लालजी टंडन डाइड रिसेंटली. He was a governor of which state? Answer is Madhya Pradesh. Which state? Madhya Pradesh. SBI Card and Payment Service has named Dash as its new Managing Director and Chief Executive Officer. ठीक है, तो answer is Ashwini Kumar Tiwari. Ashwini Kumar Tiwari को क्या SBI Card के नए MD बनाया गया है? Next question है, name the person who has been appointed
by the board of director. Karur Vaishya Bank as a managing director and chief executive officer of the bank. Answer is Ramesh Babu Boddu. Ramesh Babu Boddu ko Karur Vaishya Bank ke MD or chief executive officer banaya gaya hai. Next question hai, the Consumer Protection Act 2019 has been implemented in India from 20 July 2020. It has replaced the Consumer Protection Act 1986. Next question is, name the payment app which has launched India's first numberless card of the country. Answer is Fempe. Next question hai, name the Spanish novelist who won the 2008 Cervantes Prize, the Spanish speaking world's top literacy award, passed away recently. Spanish bhasha bolne wale vishw ke shish साहित्यिक पुरस्कार 2008 सर्वेट्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्पेनिश उपन्यासकार का नाम बताइए जिनका निधन हो गया. तो आंसर याद रखना है जुआन मार्स. नेक्स्ट, सूरज कदे मर्दा नहीं, ऑथर्ड बाय बलबीर सिंह सड़कनामा. ठीक है, माफ कीजिएगा, बलदेव सिंह सड़कनामा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज साइन MOU विथ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम टू फैसिलिएट द स्मूथर बायलेटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा. तो आंसर याद रखना सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया विच वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द स्पेस एक्स. आंसर इज अनियासिस 2. दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया. तो अनियासिस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्स इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स. तो आंसर इज चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज इंक्लूड ट्रांसजेंडर अंडर द मधुबाबू पेंशन योजना. आंसर इज ओडिशा. नेम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. आंसर इज प्रवीण सिद्धार्थ. क्या नाम है? प्रवीण सिद्धार्थ जो है प्राइवेट सेक्रेटरी बने हैं किसके? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के. लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम द कंट्री विच विल होस्ट T20 मेंस वर्ल्ड कप 2020 टूर्नामेंट इन ईयर 2022. उस देश का नाम बताइए जो 2022 में T20 मेंस वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी करेगा. तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. क्या हुआ है कि 2022 में अब शिफ्ट कर दिया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप को जो कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था. ठीक है, इस तरह भारत लगातार दो वर्ल्ड कप आयोजित करेगा, जैसे यानी कि 2016 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होगा. ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन. 240 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन थे. ठीक है, जुलाई के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.